जब भी आपको इतना सर दर्द होता है, कई बार लोग आते हैं कहते हैं जी मैं चार चार पेन किलर खा लेता हूँ सुबह से शाम तक, मैं कॉम्बिफ्लेम खाता रहता हूँ या मैं ब्रूफेन खा रहा हूँ या मैं कोई भी और दवाई खा रहा हूँ, तो दे विल कॉज ऑलवेज दे विल डैमेज योर किडनी। और फिर अगर आप महीनों तक वो खाते रहेंगे तो कल को किडनी आपकी डैमेज हो जाएगी, उसकी अलग प्रॉब्लम्स है। सो पेन किलर्स तो एनी वे शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। किसी को माइग्रेन हो गया है तो ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स हैं कि जब आपको डॉक्टर को दिखा ही देना चाहिए? क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि नॉर्मल हेडेक है, ओके लाइट से हो रहा है, लाइट बंद कर देते हैं, या फिर कुछ खाया कि चलो अब ये नहीं खाएंगे। तो ऐसा कौन सा ट्रिगर पॉइंट है कि जब हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए? ऐसे मैम माइग्रेन में ऐसा कोई रेड फ्लैग नहीं है, क्योंकि माइग्रेन आप जानलेवा नहीं है, वो आपको कुछ करेगा नहीं, बट वो रोज़ की तकलीफ है। सो एक्चुअली माइग्रेन में ना ये गलत क्वेश्चन है कि वो कब डॉक्टर को दिखा लें। वो पेशेंट बेचारा जब इतना परेशान हो जाता है सर दर्द से तो वो खुद ही सोचता है कि मैं डॉक्टर दिखा लूँ। इसमें मैं बल्कि ये कहूँगा कि उनको चाहिए कि वो एक सही डॉक्टर को दिखाएं जो उनके माइग्रेन को ट्रीट कर दे, ना कि पेन किलर्स लेते रहें। बहुत सारे लोग माइग्रेन्स के लिए बस पेन किलर लेते रहते हैं और वो सोचते हैं कि यही हमारा ट्रीटमेंट है, विच इज़ नॉट राइट। ओके एंड सर माइग्रेन जो है हमारी लाइफस्टाइल से भी माइग्रेन पर या फिर हमारे हेडेक्स पर फर्क पड़ता है? 100% सो ये देखा गया है इंडिया में माइग्रेन्स आर मोर इन फीमेल्स। ओके एंड उसका एक बहुत बड़ा कारण है लाइफस्टाइल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फीमेल्स इन दिस कंट्री आर जनरली नॉट वर्किंग, दे आर जनरली हाउसवाइफ्स, घर में ही रहती हैं। सो ऐसा देखा गया है कि वो उनकी एक्टिविटी कम है फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे, तो हमारे यहाँ पे अब जाके ये जनरेशन जो नेक्स्ट आ रही है वो कुछ फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुई हैं, बट पहली जनरेशन तो फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल मतलब एक्सरसाइज नहीं करते थे। सो एक्चुअली अगर आपका खाना आपकी एक्सरसाइज सही है तो डेफिनेटली आपके माइग्रेन के एपिसोड्स कम रहेंगे। ओके सो एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सर अगर डाइट की बात की जाए तो डाइट में ऐसा कुछ स्पेशल है जो हमको कंज्यूम करना चाहिए? तो जो स्टडीज़ ने बताया है उसमें अगर किसी चीज़ों पे ऐसा कहा गया है कि जिनको माइग्रेन है उन्हें चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए तो वो फिर चॉकलेट्स हैं, चीज़ है। ओके बट मेरे से पूछेंगे तो आई वुड से एनी जंक फूड विल ट्रिगर माइग्रेन, बिकॉज जो इंडियन खाना है वो जनरली बहुत ईजिली डाइजेस्टेबल होता है और वो आपको गैस नहीं प्रोड्यूस करता। जो भी जंक फूड है या चीज़ है या मैदा से बनी हुई चीज़ें हैं वो जनरली हमारे को दिल कॉज एसिडिटी, दिल कॉज गैस सस्टेंशन, जिससे कि माइग्रेन बहुत लोगों को प्रेसिपिटेट होता है। ओके ओके एंड सर अगर मेडिकेशन की हम बात करें तो एक्यूट माइग्रेन में ऐसी कौन सी मेडिकेशन है जो डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को? सो एक्यूट माइग्रेन इज़ लाइक अ वेरी सिवियर हेडेक, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक तरह की दवाइयाँ हैं जिन्हें सुमाट्रिप्टान या ज़िज़ाट्रिप्टान कहते हैं, जो कि आप ले सकते हैं जो आपके माइग्रेन्स को अबेट कर देती है। बट मैं प्लीज़ अगेन कहूँगा माइग्रेन्स आर मोर कंट्रोलेबल देन दे शुड बी ट्रीटेबल। आप उसकी सही दवाई लीजिए, आपको माइग्रेन होगा ही नहीं। सर अगर माइग्रेन की हम कोई दवाई ले रहे हैं डायरेक्ट अगर पेन किलर्स ले रहे हैं तो क्या उसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं? डेफिनेटली जब भी आपको इतना सर दर्द होता है, कई बार लोग आते हैं कहते हैं जी मैं चार चार पेन किलर खा लेता हूँ सुबह से शाम तक, मैं कॉम्बिफ्लेम खाता रहता हूँ या मैं ब्रूफेन खा रहा हूँ या मैं कोई भी और दवाई खा रहा हूँ, तो दे विल कॉज ऑलवेज दे विल डैमेज योर किडनी। Okay. और फिर अगर आप महीनों तक वो खाते रहेंगे तो कल को किडनी आपकी डैमेज हो जाएगी, उसकी अलग प्रॉब्लम्स है। सो पेन किलर्स तो एनी वे शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। ओके एंड सर हार्मोनल चेंज या फिर जैसे मैं पीरियड्स में एक फीमेल होती है तो क्या उससे भी इफेक्ट होता है माइग्रेन पर? जी डेफिनेटली, बिकॉज जब भी किसी फीमेल को माइग्रेन्स हैं दे विल ऑलवेज टेल अस कि जी मेरे पीरियड्स के टाइम पे जनरली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस, बिकॉज दे आर ऑल रेगुलेटेड फ्रॉम द ब्रेन, एंड सेकेंडली बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस, द डायनेमिक्स ऑफ द ब्लड फ्लो इन द बॉडी चेंज। सो उनमें बहुत कॉमन है। तो सर हम इस सिचुएशन में हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर किस तरह से अपना ख्याल रख सकते हैं? सो इन सिचुएशंस में अगेन अगर आपको माइग्रेन है ही और अगर आपको लगता है तो माइग्रेन को ही ट्रीट कर दीजिए, तो आपको उस टाइम पे होगा ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर उस टाइम पे आपको प्रेसिपिटेट होता है वेल देन और कुछ तो भाज बात है नहीं, यू विल हैव टू टेक अ पेन किलर ओकेजनली ऑन एंड ऑफ, बट अदरवाइज आप और कुछ खास नहीं कर पाएंगे। डाइट ले सकते हैं कुछ अच्छी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स? सो डाइट में अगेन नॉर्मल इंडियन फूड,
जो होता है हमारे घर का खाना, दाल रोटी चावल, दे वुड ऑलवेज हेल्प यू. ओके सर. एंड अगर सर क्रोनिक माइग्रेन की बात की जाए तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो अगर क्रॉनिक माइग्रेन किसी को है तो सबसे पहले आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दीजिए. आप खाना समय पे खाएं, आप खाना, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंडियन खाना खाएं प्लीज़, जो सिंपल खाना होता है. कोशिश करें रात को लेट डिनर्स ना करें, 7-8 बजे तक डिनर आपका हो जाना चाहिए. अगर अल्कोहल लेते हैं या स्मोक करते हैं तो वो दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल मिनिमाइज या बंद करनी पड़ेंगी, बिकॉज उनसे माइग्रेन बहुत प्रेसिपिटेट होता है. इसके अलावा 1 hour ऑफ एक्सरसाइज डेली इन योर लाइफ वुड एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज उससे कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं हमारे ब्रेन में, कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं जिनसे कि माइग्रेन होने की टेंडेंसी कम हो जाती है. आई थिंक पहले आप अपने पे काम कीजिए. ओवरवेट अगर आप हैं तो आपको माइग्रेन होने के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहेंगे. कोशिश कीजिए आपका वेट रिडक्शन हो, यू शुड, देन योर माइग्रेन्स विल डिक्रीज. वंस ऑल दिस इज ओवर एंड यू आर स्टिल हैविंग माइग्रेन्स, येस यू शुड कंसल्ट अ प्रॉपर कंसल्टेंट फॉर दिस माइग्रेन. एंड मस्ट नॉट जस्ट गिव अप कि जी मुझे तो माइग्रेन है तो मैं तो बस पेन किलर नेक्स्टॉर्म खा लिया और नेप्रोशन, कुछ भी मतलब एनी पेन किलर्स विच यू वॉन्ट, दिस इज नॉट राइट. एग्जैक्टली. एंड मुझे लगता है सर माइग्रेन को लेकर जो भी कन्फ्यूजन हमारी ऑडियंस को थी वो ज़रूर आज क्लियर हुई होगी. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट इंटरव्यू. एंड सर जाते जाते आपने ऑलरेडी इतनी एडवाइसिस दे दी हैं, बट एक लास्ट एक एडवाइस हो जाए. सो मेरी लास्ट एडवाइस आपको यही है कि माइग्रेन्स आर वेरी वेल ट्रीटेड बाय यू योरसेल्फ बिफोर यू रीच अ डॉक्टर. 80-90% ऑफ द पीपल कैन ट्रीट देयर ओन हेडेक्स, देयर ओन माइग्रेन्स. द ओनली थिंग दे हैव टू टेक केयर इज ऑफ देयर डाइट, ऑफ देयर बॉडी टू एक्सरसाइज डेली, एंड ऑफ देयर वेट. आप ये तीन चीज़ों का ध्यान रखें, आपको हेडेक्स या माइग्रेन्स वैसे ही बहुत कम हो जाएंगे. बिल्कुल सर. थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम. थैंक यू सर.